हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम टोटल के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम दो ऐसे बाइक को कंपैरिजन करने वाले हैं जो बहुत सारे यंगस्टर के दिल का सपना होता है, और ये दोनों ही बाइक लुक्स एंड परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक है यामा R15 और एक है KTM RC125। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, ये दोनों ही बाइक 2022 वर्जन में है। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, उसके बदले मैं सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोनों ही बाइक में आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है, लेकिन KTM RC125 में आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक मिल जाता है। इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाता है। मेरे ख्याल से इसमें आपको LED हेडलाइट लेना चाहिए 2022 वर्जन में। और दोस्तों, ये दोनों ही बाइक में आपको DRS मिल जाता है, लेकिन मेरे बात करूँ तो मुझे यामा R15 ज़्यादा बेहतर लगता है लुक्स के मामले में। आपको कौन सा बाइक ज़्यादा बेहतर लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में। तो यामा R15 में आपको 155 cc का 1 सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूलिंग इंजन दिया गया है। इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। KTM RC125 में आपको 125 cc का 1 सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूलिंग इंजन मिल जाता है, एंड इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो यामा R15 में आपको ज़्यादा बड़ा इंजन दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं पावर एंड टॉर्क के बारे में। तो यामा R15 में आपको पावर मिल जाता है 18.4 BHP 10,000 RPM पर, एंड टॉर्क मिल जाता है 14.2 Nm 7,500 RPM पर। एंड KTM RC125 में आपको पावर मिल जाता है 14.7 BHP 9,250 RPM पर, एंड टॉर्क मिल जाता है 12 Nm 8,000 RPM पर। तो पावर एंड टॉर्क के मामले में यामा R15 ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं टैंक कैपेसिटी एंड माइलेज के बारे में। तो यामा R15 में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 11 लीटर का, एंड माइलेज मिल जाता है 40 KMPL का। एंड KTM RC125 में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 13.7 लीटर का, एंड माइलेज मिल जाता है 41.32 किलोमीटर पर लीटर का। तो टैंक कैपेसिटी एंड माइलेज के मामले में KTM RC125 ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो यामा R15 में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, एंड फ्रंट में 282 mm सिंगल डिस्क मिल जाता है, एंड रियर में 220 mm सिंगल डिस्क मिल जाता है। एंड KTM RC125 में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, एंड फ्रंट में 320 mm सिंगल डिस्क मिल जाता है, एंड रियर में 230 mm सिंगल डिस्क मिल जाता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में लगभग दोनों ही बाइक सिमिलर है, क्योंकि दोस्तों KTM RC125 में आपको ज़्यादा बड़ा डिस्क मिल जाता है, वहीं पर ही यामा R15 में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वेट एंड सीट हाइट के बारे में। तो यामा R15 में आपको वेट मिल जाता है 152 kg का, एंड सीट हाइट मिल जाता है 815 mm का। एंड KTM RC125 में आपको वेट मिल जाता है 159 kg का, एंड सीट हाइट मिल जाता है 824 mm का। तो वेट के मामले में R15 ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं टायर साइज के बारे में। तो यामा R15 में आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन का 17 इंच का ट्रिपल स्टार मिल जाता है, एंड रियर में 140x70 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबल स्टार मिल जाता है। एंड KTM RC125 में आपको फ्रंट में 110x70 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबल स्टार मिल जाता है, एंड रियर में 150x60 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबल स्टार मिल जाता है। तो टायर साइज के मामले में KTM RC125 ज़्यादा अच्छा है। तो टॉप स्पीड एंड प्राइस के बारे में बताने से पहले, जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो, जल्द से लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो में जैसे ही 10 लाइक कंप्लीट होगा, मैं R15 वर्सेस RS 200 का कंपैरिजन वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, और हम टॉप स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यामा R15 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 150 km/h का, एंड ए बाइक 0 to 100 km/h का स्पीड 10.1 सेकंड में पकड़ लेता है। एंड KTM RC125 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 120 km/h का, एंड ए बाइक 0 to 100 km/h का स्पीड 14.6 सेकंड में पकड़ लेता है। तो टॉप स्पीड एंड 0 to 100 के मामले में यामा R15 ज़्यादा अच्छा है। तो प्राइस के में बात करें तो यामा R15 का एक शोरूम प्राइस है 1.68 लाख एक शोरूम, एंड KTM RC125 का एक शोरूम प्राइस है 1.82 लाख। तो प्राइस के मामले में यामा R15 आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा वेट चाहिए एंड ज़्यादा अच्छा टॉप स्पीड एंड 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज़्यादा अच्छा चाहिए तो फिर आपको Yamaha R15 लेना चाहिए। और अगर आपको टैंक कैपेसिटी एंड माइलेज ज़्यादा अच्छा चाहिए एंड टायर साइज ज़्यादा अच्छा चाहिए तो फिर आपको KTM RC 125 लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से आपको Yamaha R15 लेना चाहिए क्योंकि ये बाइक आपको कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है। और अगर आप थोड़ा सा और बेहतर बाइक चाहते हो तो फिर आप इसका M variant भी ले सकते हो, उसमें आपको क्विक शिफ्ट भी मिल जाता है। तो आज का वीडियो यही तक ही था। और आपको किसी और बाइक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हम सभी का चैनल ड्रीम टोटल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो गुड बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।